हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और आपको लगता है कि इस साल इतने मार्क्स पर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो सेकंड जो आपके पास ऑप्शन आता है, आपके दिमाग में जो ऑप्शन आता है, वो आता है सेमी गवर्नमेंट को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जानेंगे कि सेमी गवर्नमेंट होता क्या है। सेमी गवर्नमेंट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कम मार्क्स है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद स्टेट वाइज कितनी सीट्स हैं, उन सीट्स पर कितनी फीस लगती है, और थर्ड पॉइंट उनका एडमिशन प्रोसीजर जो है वो क्या रहता है। पूरी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज सेमी गवर्नमेंट। देखिए, सेमी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है अर्ध सरकारी, मतलब कि 50% गवर्नमेंट और 50% प्राइवेट। ठीक है, कुछ प्राइवेट संस्थाएं क्या करती हैं, अपना एक कॉलेज बिल्ड करती है और उस कॉलेज की जो सीट्स है वो गवर्नमेंट को दे देती है कि आप इन पर एडमिशन करवाइए। तो उन सीट्स पर, उन सीट्स को हम क्या करेंगे, उन सीट्स को हम कहेंगे सेमी गवर्नमेंट सीट्स। समझ आ गया सेमी गवर्नमेंट होता क्या है? ठीक है, क्लियर है छोटा छोटा। अब टाइप्स ऑफ सेमी गवर्नमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला तो होता है पीपीपी मॉडल पर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये जो मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट कंपनी ने कॉल बिल्ड किया, पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट है वो उनकी सीट्स के ऊपर एडमिशन करवा रही है, तो ये इनके बीच पार्टनरशिप होती है और इसी के ऊपर इन कॉलेजेस को बिल्ड किया जाता है। तो पहला टाइप तो ये है। दूसरा टाइप अभी क्या चल रहा है कि एक स्टेट में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कुछ सीटें, मान लीजिए 50% सीटों पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस लगती है, तो इनको भी हम क्या कहेंगे, इनको भी हम सेमी गवर्नमेंट ही कहेंगे। ये आपको अच्छे से समझ आएगा, ये टाइप ऑफ सेमी गवर्नमेंट है। आगे एग्जाम्पल की अगर बात करूं, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। हरियाणा के का एक महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, उस पर 1 to 1.5 लाख फीस है, तो वो एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको स्टेट वाइज बता देता हूँ कि स्टेट वाइज कितनी सीट्स जो है वो अवेलेबल है हर एक स्टेट में। थोड़े से स्टेट है यार, उनमें ही सीट्स अवेलेबल हैं, बाकी स्टेट्स में इनकी या तो सीट्स अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल ही भी है तो एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि या तो उनकी कट ऑफ काफी हाई जाती है या फिर उनमें फीस काफी हाई है। सबसे पहला आता है कर्नाटका। कर्नाटका के जो 55% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है ना, उन पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस लगती है, तो ये क्या है, ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है। अगर इनके फीस की बात करें तो 1.44 लाख पर ईयर की इनकी फीस रहती है। ठीक है, तो इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन प्रोसीजर आगे बताऊंगा। दूसरा है आंध्र प्रदेश। इसमें भी जो 50% प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस लगती है, इनकी फीस जो है वो 15,000 पर ईयर है। ठीक है, सिर्फ 15,000 पर ईयर जी। उसके बाद तेलंगाना और तमिलनाडु, इन दोनों के जो 50% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी सेमी गवर्नमेंट है और 4 लाख पर ईयर की इनकी फीस है। आगे आ जाता है गुजरात। इसमें काफी हाई नंबर पे आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। 75% जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स हैं, उन पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस लगती है, और इसकी जो फीस अगर बात की जाए तो आपकी 1 लाख पर ईयर के लगभग इसकी वो लो फीस रहती है। 1 लाख नहीं, काफी लो फीस है, एग्जैक्ट फीस मुझे जो है वो इसकी पता नहीं है। पंजाब के 50% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन पर 4 लाख पर ईयर की फीस है, और ये सारे सेमी गवर्नमेंट है। अब बाकी सारे जितने भी स्टेट्स बचते हैं उनमें इतने कॉलेजेस जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में 10 सीट्स ही है, उसमें से भी एक या दो सीट ही सेमी गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल है, लेकिन उसकी जो कट ऑफ है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से भी ज़्यादा जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनमें सेमी गवर्नमेंट कुछ सीटें हैं, कुछ एक सीटें हैं 10-12, लेकिन उनमें एडमिशन लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इन स्टेट में डेफिनेटली आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसी एजुकेशन मिलेगी, लेकिन हाँ टैग जो रहेगा वो सेमी गवर्नमेंट का रहेगा, बाकी सब कुछ जो है वो सेम एग्जैक्ट जो है वो होने वाला है। और काफ़ी सारे इन कॉलेजेस की जो एजुकेशन है वो काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी बेहतर है, तो आप इनमें निश्चिंत अपना एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं। एडमिशन की बात करते हैं, स्टेट वाइज सीट्स तो हो गई, एडमिशन की बात करते हैं। ये मुझे हटाना था तो मैं हटा नहीं पाया, एडमिशन प्रोसीजर लिखना था। ठीक है, एडमिशन की बात करते हैं। दो तरीके के एडमिशन प्रोसीजर है, ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा 85%। जैसे कि मैंने आपको पांच स्टेट बताए, कौन कौन से, कर्नाटका हो गया,
आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, इसके बाद गुजरात और पंजाब। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप गुजरात के हो, गुजरात के डोमिसाइल हो आप, और गुजरात के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है, तो आप 85% स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेंगे क्योंकि आप उसी स्टेट के हैं। अगर आप दिल्ली से हैं और आप चाहते हैं कि गुजरात के कॉलेजेस में मुझे एडमिशन मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, आप ऑल इंडिया कोटा 15% के थ्रू एडमिशन लेंगे। सिंपल सी बात है, आपको ये तो पता ही होगा, दो टाइप्स ऑफ एडमिशन है, एक ऑल इंडिया कोटा 15% और एक स्टेट कोटा 85%। अगर आप उसी स्टेट के डोमिसाइल हैं तो आप 85% स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेंगे। अदर स्टेट के डोमिसाइल हैं और उस स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी दूसरे स्टेट में, तो आप 15% के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इसका एडमिशन प्रोसीजर रहता है, तो पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेमी गवर्नमेंट के अंदर कोई भी आपका डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज टेलीग्राम है स्टडी स्किल सक्सेस, यहाँ पर पर्सनली अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, अगर आपकी क्वेरी है, तो पर्सनली आप यहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।